लोगों की सरकार है, तो जो विशेष ट्राइबल एरिया है और अपने कल्चरल हेरिटेज के एरिया है, सोमनाथ को डिनार लाइन हो गई, गिर का एरिया हो गया जो कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब में कई सारे प्रोजेक्ट की डीपीआर कर रही है, सर्वे कर रही है। माननीय सदस्य के साथ में जब भी कार्यालय में बैठूंगा उनको डिटेल विवरण उनके क्षेत्र का दे दूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भावनगर टेलीविजन है, तो भावनगर टेलीविजन में भी सुविधाएं बढ़ाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि भावनगर टेलीविजन से जो तहसील है मेरे क्षेत्र में जुड़ी है, जैसे कि जामजोधपुर तहसील, भाणवड़ तहसील, लालपुर तहसील, यहाँ पे जो नागरिक हैं उनकी बहुत समय से डिमांड है नई ट्रेनें चलाई जाए, पर इन सुविधाओं के अभाव से नई ट्रेनें हम नहीं चला पा रहे हैं। बहुत समय से मेरी मांग है राजकोट अकोरगंजा से शुरू होकर सुबह ट्रेन राजकोट जाए वाया जैसलमेर और वाचार्य, ये ट्रेन हम शुरू मात्र ये सुविधा उपलब्ध ना होने के वजह से कर सके नहीं कर सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या भावनगर डिविजन जहाँ बहुत उसे मुख्य क्षेत्र से जोड़ने की अति आवश्यकता है, क्या इस डिवीजन में आने वाले दिनों में मेरे क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और रेल पटरी की जो दौरीकरण का कार्य है वो मेरे क्षेत्र में कब तक पहुंचेगा और कोखा तक ये सुविधा कब उपलब्ध होगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, इनके क्षेत्र में डबलिंग का कार्य राजकोट टनल ऑफ डबलिंग का ऑलरेडी चल रहा है और आदिवासी क्षेत्र जो विशेषकर